छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ बम्लेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिनों तक विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा हुआ है, नहीं तो 9 दिनों में 20 लाख दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने पहुँचते थे। इस वर्ष ज्योति नीचे मंदिर में 713 और ऊपर मंदिर में 511 तथा शीतला मंदिर में 48 ज्योत प्रज्वलित हो रहे हैं। पूजा पाठ सिर्फ पुजारियों के द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में एक छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल माँ बम्लेश्वरी देवी के मंदिर में इस बार राज्य सरकार कोरोना के चलते दर्शनार्थियों के दर्शन पर रोक लगा दिए। सभी कार्य पुजारियों के द्वारा ही संपन्न कराया जा रहा है। डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ बम्लेश्वरी देवी ऊपर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना रोजाना हो रही है। माँ आदि शक्ति का विशेष श्रृंगार रोजाना किया जाता है। अनुष्ठान मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी को ही करना पड़ रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार हुआ है जब डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का आना वर्जित है और इस पंचमी के शुभ अवसर पर विशेष श्रृंगार किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ धर्मनगरी में माँ बम्लेश्वरी मंदिर चैत्र बकवार नवरात्रि में पंचमी तिथि को हर साल कई लाख श्रद्धालु माता के दरबार माथा टेकने पहुंचते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं, लेकिन इस बार एकम से लेकर पूरे दिन दोनों मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के क्षेत्र में आने जाने वाली रास्तों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और ना ही नगर के किसी भी हिस्से से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। महाअष्टमी के हवन को भी मंदिर के भीतर ट्रस्टी के सदस्य व कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। इस दिन भी मंदिर का पट दर्शन के लिए नहीं खोले जाएंगे। ये इतिहास में पहली बार होगा जहां एक भी श्रद्धालु माँ के दरबार माथा टेकने नहीं पहुंचेंगे। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। विशेष तिथियों के दिन भी भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें माता जी का विशेष अभिषेक श्रृंगार नीचे मंदिर और ऊपर मंदिर दोनों माता जी का होगा और आप सभी भक्तजनों से हम प्रार्थना करते हैं कि घर में रहकर आप इस विशेष श्रृंगार और कालरात्रि की पूजा जो है वो आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हैं। 11